आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैब्रिक पेंट करने का तरीका फैब्रिक पेंट में आपने सबसे पहले ले लेने ली एक्रेलिक पेंट्स एक्रेलिक फैब्रिक पेंट्स आपने ले लेने हैं ब्रश ले ले लेने हैं ज़ीरो साइज़ और वन साइज़ का आपको थोड़ा सा पानी चाहिए अच्छा एक बात आपने याद रखनी है कि आपने इसमें पानी बिल्कुल मिक्स नहीं करना क्योंकि जब आप इसमें पानी मिक्स करते हैं तो ये फैल जाता है और आपको जो भी आप फूल या लीव जो भी चीज़ बना रहे हैं वो आपकी नीट नहीं बनती आपने सिंपली जो भी फैब्रिक हो फैब्रिक कोई भी हो आप यूज़ कर सकते हैं मेरे पास ये ऑर्गैनजा का फैब्रिक है और मैं आपको बता रही हूँ कि जस्ट इसके ऊपर एक लीव ड्रा हूँ आपको जस्ट एक तरीका बता रही हूँ कि आपने पेंट किस तरह करना है अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ख़ुद भी फूल वगैरह ड्रा कर सकते हैं जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसको ड्रा करके आपने सिंपली उसके ऊपर पेंट करना होता है इस पेंट को करने का ये तरीका होता है कि आपने सिंपली ब्रश को सिर्फ जस्ट गीला करना होता है थोड़ा सा आपने पानी बिल्कुल नहीं मिक्स करना आपने जस्ट ब्रश को थोड़ा सा पानी में गीला करना है और उसके बाद आपने इसका एक कोट देना है और एक कोट देने के बाद आपने इसको छोड़ देना है और तकरीबन आधे घंटे बाद आपने इसके ऊपर एक और कोट देना है तब आपकी नीटनेस आएगी अगर आप तीन कोट देंगे तो फिर आपका जो भी लीव या फ्लावर आप बना रहे हैं वो बहुत नीट आएगा इसके बाद आपने ले लेना है जी गोल्डन कलर गोल्डन कलर को आपने लाइन्स के लिए यूज़ करना है आप आउटलाइन भी बना सकते हैं ब्लैक कलर भी यूज़ होता है आउटलाइन के लिए वाइट भी यूज़ होता है और गोल्डन भी यूज़ होता है तो आपने गोल्डन लाइंस ड्रॉ कर लेनी है सिंपली इसके ऊपर और नीचे और उसके बाद लीव्स के अंदर जो लीव्स की शेप होती है वो आपने दे देनी है गोल्डन कलर से ताकि ये थोड़ा उठ कर आए तो सिंपली आपको बताना ये था कि आपने पेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आपने पेंट किस तरीके से करना है तो सिंपली आपको एक किट मिल जाएगी तकरीबन थाउजेंड की ये किट मिलती है जिसमें बारह कलर होते हैं और बारह कलर में ये होता है कि आपने इसमें पानी मिक्स नहीं करना होता आपने जस्ट ब्रश को थोड़ा सा गीला करना होता है और आपने इसके तकरीबन तीन कोट लगाने होते हैं तकरीबन आधे आधे घंटे के गैप से उसके बाद ये पेंट बहुत कम यूज़ होता है आपने ये नहीं सोचना कि अगर तीन कोट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा पेंट यूज़ होगा पेंट बहुत कम यूज़ होगा जस्ट आपने कोटिंग इसकी तीन बार करनी है ताकि आपका जो लीव है वो नीट आए क्योंकि जो पतला फैब्रिक होता है उस पर आपको पता है कि ज़्यादा कोट लगाना पड़ता है इसके अंदर मैंने गोल्डन लाइन ड्रॉ कर ली है लीव मेरा रेडी हो चुका है आप कोई भी डिज़ाइन इसी तरीके से बना सकते हैं